तो गाइस वेलकम है आपका हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स में, जिसमें हम देख रहे हैं CSS3 के ट्यूटोरियल्स, जिसमें हम रेस्पॉन्सिव डिजाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एडवांस में आ रहा है, जैसा कि आप पता है CSS3 थोड़ा एडवांस में आ जाता है ट्यूटोरियल, और रेस्पॉन्सिव का मैंने आपको मतलब बता दिया है। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज अभी आई बटन पर जाएं और वहां पे उस लेक्चर को प्लीज देख लीजिए कि रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है और रेस्पॉन्सिव क्यों जरूरी है CSS में और क्यों वेब डेवलपमेंट में यूज की जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं, टुडे वी विल बी क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव एग्जाम्पल। ठीक है, हमने पिछले एपिसोड में एक एग्जाम्पल देखा था लाइक दिस, ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा था, जैसे हम इसे मान के चलिए, इसे मैं अगर लेकर जाता हूँ मोबाइल व्यू में, तो मोबाइल व्यू में क्या हो रहा है, ये ग्रीन कलर का हो जाता है और ये एक एक बॉक्सेस ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एक एक ऊपर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है रेस्पॉन्सिव का, कि मोबाइल में कैसा दिखना चाहिए और टैबलेट या आईपैड या लैपटॉप में कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल, तो आज हम इसी को क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम कोड एडिटर पर चलते हैं अपने, जो सबलाइम है। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिकली एक फोल्डर बनाया हुआ है CSS3 नाम का, जिसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल एक फाइल बना लूंगा, इसके अंदर एक न्यू फाइल बना लूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं index.html। ठीक है, तो ये फाइल आपको रखना इम्पोर्टेंट है, मतलब फाइल बनाना जरूरी है जिसके द्वारा हम यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे बेसिक कोड कर लेंगे जो कि हमारा HTML का होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, तो वो हम यहाँ पे सिंपल कोड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर बनाना आता ही होगा, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप ना अपने हाथ से टाइप करिएगा तो थोड़ा उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्सिव एग्जाम्पल रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं सजेशन अपने लिए गायब कर देता हूँ जिससे कि आपको भी बेटर वे में समझ में आए। ठीक है, फॉल्स कर देता हूँ इसे, और अब ये मेरी सेव हो गई है, अब यहाँ पे सजेशन मुझे नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए चार पैराग्राफ दिख रहे हैं और चार बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे चार पैराग्राफ बनाएंगे। देखिएगा, तो ये चार क्या है, ये एक एक डिव है, डिव तो जिनको मैंने सेम क्लास दी हुई है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और डिव यहाँ पे हमने मान के चलिए पैराग्राफ में हम यहाँ पे कुछ भी पास कर देते हैं, लाइक मैं चलो यहाँ ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस कंटेंट को। ठीक है, ज्यादा समझ में भी थोड़ा आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्लास पास कर दूंगा, क्लास इज इक्वल टू सेक्शन। ठीक है, एक मैंने पास कर दी है। मैं क्या करूंगा, अभी इसे मैं अगर चलाऊंगा, ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी फाइल पास करूंगा। बेसिकली मैं इसे क्रोम ब्राउजर में नहीं चलाऊंगा, आप चला सकते हैं क्योंकि मेरे थोड़े क्रोम ब्राउजर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना मोजिला फायरफॉक्स यूज करूंगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करके रन कर दूंगा। ठीक है, तो सेम वही काम करेगा, बट ये है कि अभी मैं मोजिल्ला में करूंगा कोड। ठीक है, और सेम क्रोम पे आप रन कीजिएगा, आपका ऐसे ही एज इट इज रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चार पैराग्राफ बना लूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी सेक्शन को चार बार कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और पेस्ट कर दूंगा, 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आपको चार पैराग्राफ दिख रहे हैं और वो भी ना एक लाइन में दिख रहे हैं, मतलब एक एक लाइन में दिख रहे हैं, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल और बनाएंगे CSS के लिए। तो हम यहाँ पे एक फाइल और बनाएंगे CSS3 में ही, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, style.css। ठीक है, और अभी अगर आप देखोगे तो मेरे जो करंट फोल्डर में जो फाइल है वो मेरी है एक index.html और style.css। देखिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर ये है जो बिगनर है वो काफी सीख सकते हैं इससे, कुछ ज्यादा सीखेंगे, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन जरूर होइएगा। ठीक है, तो style.css में हम अपना CSS का कोड करेंगे। ठीक है, जब भी आप इतना बड़ा कोड करते हैं तो ये जरूरी है कि आप किसी और फाइल को यूज करें। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें इस CSS फाइल को अपने index.html में इंक्लूड करना होगा। तो हम कैसे करते हैं इंक्लूड, आपको पता ही होगा एक्सटर्नल CSS को हम कैसे यूज करते हैं, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप हमारे लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ रिलेशनशिप टाइप करते हैं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं स्टाइल शीट, और हम यहाँ पे स्टाइल शीट के बाद टाइप पास करेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट,
ऑब्लिक सीएसएस और यहाँ पे एचआरईएफ में पास कर देंगे हम अपनी फाइल का नाम जो कि हमारा है स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है, एक भी मिस्टेक ना करें वरना फाइल नहीं रन होगी। ठीक है, तो अब क्या है हमारी स्टाइल डॉट सीएसएस जो है इससे रन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट सेक्शन जो नाम की हमने क्लास बनाई है, आपने ये सोचा कि हमने कॉमन ही क्यों रखी है, क्योंकि हमें जो है सभी सेक्शन को सेम दिखाना है, ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो ये सभी पे सेम है और सभी पे सेम रहेगी क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक लाइन में आ रहा है, मतलब एक के नीचे एक नहीं आ रहे पैराग्राफ। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, पहले तो बेड्थ सेट कर देते हैं, इसकी बेड्थ हम रख देते हैं लाइक 20 रख लो आप जितना रखना चाहो। और ये मैंने सेव कर दिया 20% रख के, और मैंने ये यहाँ पे देखिए गाइस। अब आप यहाँ पे समझने की बात ये है, अब आप बोलोगे कि ये तो एक के नीचे एक आ रहे हैं, हमें तो साइड में चाहिए थे। अब ये साइड में कैसे आएंगे वो आप कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमने कई सारे आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं सीएसएस में, तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई है फ्लोट नाम की, जिसमें हम पास कर देते हैं लेफ्ट। ठीक है, अब देखिएगा गाइस, वोम देख सकते हैं अभी ये एक लाइन में आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है। ठीक है, अब हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं लाइक, अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर लाइक अभी हम रख लेते हैं रेड। ठीक है, आप चाहें तो कोई सा भी रख लीजिएगा, मैं लाइक ब्लू रख लेता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं सेम ही बनाऊँ, और कलर कर देता हूँ उसका वाइट। ठीक है, जैसे कि वाइट कलर के हमें टेक्स्ट होंगे। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं गाइज कि अब आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। पर आप ये देख रहे होंगे कि इसके बीच में जो है यहाँ पे स्पेसेस है, और यहाँ पे क्या है, स्पेस है ही नहीं, तो वो कैसे होगा। तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है अगर आपको याद हो तो मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन लेफ्ट यूज करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली लेफ्ट से दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ से अगर लेफ्ट से देंगे तो ये प्रॉपर गैप ले लेगा। ठीक है, और अगर आप मार्जिन भी देंगे तो कोई बात नहीं है, ये मार्जिन भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आप 10 पिक्सल पास करते हैं तो ये मार्जिन ले लेगा। ठीक है, देख सकते हैं गाइस आपके सामने सब काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है जो है टेक्स्ट जो है बिल्कुल चिपक के आ रहा है, देख सकते हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा गैप है, तो वो कैसे होगा, तो मैंने आपको पैडिंग भी पढ़ा है। ठीक है, पैडिंग देंगे हम यहाँ पे 10 पिक्सल। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम क्यों नहीं दिया, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम क्यों नहीं दिया। देखिए, मार्जिन और पैडिंग हम जब एकदम पास कर देते हैं लाइक मार्जिन कॉलन 10 पिक्सल, पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल, तो वो क्या करता है, मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट सब जगह से क्या करेगा, वो 10 पिक्सल ले लेगा। सेम ऐसे ही पैडिंग में होता है, पैडिंग टॉप लेफ्ट राइट बॉटम 10 पिक्सल हो गया। तो देख सकते हैं गाइज, अब मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने है कि अब थोड़ा स्पेस नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और आप चाहें तो थोड़ा टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा टेक्स्ट जो है बढ़िया से होगा जस्टिफाई, जैसा कि देखिए डिफरेंस बताता हूँ। अभी क्या है यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं, मेरे जो पिछले एग्जांपल में थोड़ा टेक्स्ट उबड़ खाबड़ नजर आ रहा है, सेम ऐसा ही यहाँ पे है। पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं प्रॉपर गैप कवर कर लिया इसने, थोड़ा अब लुक भी फील बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा हाइट भी प्रोवाइड कर देता हूँ इसको, हाइट थोड़ा ज्यादा कर देते हैं हम, लाइक हाइट हम प्रोवाइड कर देते हैं 300 पिक्सल, और हम इसे यहाँ पे सेव करके रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अब ये लैपटॉप टीवी वगैरह सब पर सेम दिखाई देने वाला है। अगर मैं इसे ऐसे करता, देख सकते हैं, और मैं इसे ऐसे लेकर जा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, देख सकते हैं गाइस आपके सामने हो रहा है ये, कि मतलब टेक्स्ट जो है ओवर मतलब बाहर जा रहा है, और जो है ये बढ़िया नहीं सो रहा है। अब इसे हमें मोबाइल में सही करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्रोम ब्राउजर में जो भी यूज कर रहा है, अगर वो राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करेगा, जो भी कोई इंस्पेक्ट करेगा, तो उसके सामने एक ये दो आइकन आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये जो आइकन आ रहा है, ये मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप मतलब सभी में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया हमारे पेज को, कि वो इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप किसी भी तरह की डिवाइसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये मोबाइल में आ चुका है, ये आईफोन में आ चुका है, ये आईफोन एक्स में आ चुका है, ये आईपैड में आ चुका है, ये आई प्रो में आ चुका है। ठीक है, अगर आप रेस्पॉन्सिव करेंगे तो इसे आप ऐसे ऐसे कर भी सकते हैं। ठीक है, पर मैं इधर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा क्रोम ब्राउजर में प्रॉब्लम है, आपके में शायद रन भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे में मैं क्या करूंगा, मोजिल्ला में भी सेम है, बस ये आप समझिएगा कंसेप्ट को,
मेरा यहाँ पे ये दिया हुआ है मोबाइल, तो मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लाइक ये है, अभी यहाँ तक सही है हमारा कंटेंट, ठीक है। सेम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी तक जो है हमारा यहाँ तक सही है, चारों बॉक्सेस सही दिखाई दे रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ जैसे इससे कम हो, मतलब कितने से कम हो, इतने से, ठीक है। देख सकते हैं ये नीचे जा रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये नीचे जाए तो क्या होना चाहिए कि एक-एक के हो जाएं या दो-दो के हो जाएं। तो चलिए वो हम करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 820 पिक्सल, मतलब 820 पिक्सल पर आने के बाद ये जो है, देखिए 820 से जैसे ही हम नीचे जाते हैं, सॉरी 818 से, देखिए मैं जैसे 16 है, 16 तक ठीक है, मैं 15 पे गया तो ये नीचे चला गया। तो अब मैं क्या चाहूंगा, जैसे 815 हो तो ये पूरा एक एक स्पेस कवर कर ले और सभी उसके नीचे आ जाए, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हम वो करते हैं, चलिए। तो हम यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपको जानना जरूरी है, मीडिया क्वेरी, ठीक है। रेस्पॉन्सिव जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन मेक अ रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे पास करते हैं @ मीडिया स्क्रीन, एंड हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, @ मीडिया, ये जरूरी है लगाना आपको। और स्क्रीन से क्या है, हम स्क्रीन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन एंड, और इसकी जो है मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, लाइक मैं चाहता हूँ हम कितने से चाह रहे हैं, 815 से नीचे हो तो, ठीक है। अगर वो 815 से नीचे तो हमारा क्या हो, अलग कंडीशन चलने लग जाए, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डॉट सेक्शन नाम का जो डिव है, ठीक है, डॉट सेक्शन नाम के जितने भी डिव हैं उनकी क्या हो, बर्थ अब क्या हो जाए, अभी तक हमारी थी 20%, अब हम क्या चाहते हैं कि लाइक 50% हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, अब आपके सामने देख सकते हैं गाइस कि मतलब पहले चार बॉक्स, मतलब तीन बॉक्सेज आपको दिखाई दे रहे थे, अब ये क्या है, आपको एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये मूव हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन्हें फ्लोट सेंटर भी कर सकते हैं, लाइक फ्लोट सेंटर, सॉरी बाई हो गया, सेंटर। एंड देख सकते हैं गाइस ये सेंटर करने से अभी सेंटर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको यही प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि पहले आपने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, ठीक है, और अब आप चाहते हैं सेंटर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, वो आप करके देख लीजिएगा, होगा, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं, मार्जिन, मार्जिन का आपने यूज पढ़ा होगा, ठीक है, तो मार्जिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, मेरा काम है रेस्पॉन्सिव बताना, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से डिजाइन हो चुका है, अगर मैं इसे 70% करता तो ये 70% का हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, अगर आप 100% करेंगे तो ये 100% कवर कर लेगा, ठीक है। तो मतलब एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते कि ये इतने पर आने पर कुछ इस तरीके से शो होता तो ऐसा करवा सकते थे, तो हमें यहाँ पे 485 पिक्सल पे लगानी होती, ठीक है। अब क्या चाहते हैं हम, जैसे 815 हो, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए उसका, लाइक ग्रीन हो जाए, और चलो कोई नहीं, ग्रीन ही ठीक है, ठीक है, और ये ग्रीन हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही 815 था, ग्रीन हो गया, अब मैं चाहता हूँ लाइक मैं 400 पर आऊँ, मतलब 400 पिक्सल पर आऊँ, तब क्या हो जाए, मेरा जो ग्रीन कलर है वो मेरा किस में हो जाए, लाइक येल्लो या किसी में भी हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसी कोड को जो है हमारा जो है @minimum मीडिया स्क्रीन, ठीक है, मैं इसी को सिंपल यहाँ पे कॉपी करूंगा, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ 400 पर हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल पास किया, और ये अभी क्या है, अभी मैंने जो है स्क्रीन जो है अभी मेरी यहाँ पे 400 पर ले गया, मैं इसे माइनस कर करके, तो देखिए 400 है। और जैसे ही इतना हो तो हमारा जो है कलर येलो हो जाए, और कलर, सॉरी, कलर ब्लैक हो जाए और बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। और ये हमने किया, देख सकते हैं गाइज आपके सामने है कि बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है एंड कलर जो है ब्लैक हो चुका है, जैसे हमने 400 पिक्सल में लेकर आए। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं तीन कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे टैबलेट और टीवी में देखोगे या लैपटॉप में देखोगे तो आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही अगर आप मोबाइल में जाते हो, टैबलेट व्यू में जाते हो,
तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और मोबाइल व्यू में जाते हो तो आपको ये येलो एंड ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये मीडिया क्वेरीज हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे यूज की जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे मिन बेड्थ की, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मिनिमम बेड्थ क्या होती है, उसे कैसे सेट करते हैं, बट ये आप ट्राई करें। अभी मैंने क्या किया है, 400 तक पास किया है, ठीक है। अभी आप क्या करें, और कम पढ़ ले जाएं, जैसे कि लाइक जो सबसे छोटा जो मोबाइल होता है वो होता है 256 तक, ठीक है। इससे ज्यादा कोई छोटा मोबाइल नहीं होता है, आप यहाँ तक यूज कर सकते हैं, और आगे के जमाने में तो और ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना यूज करें, और ये यूज करें कोड, आपको जो कोड है हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहां पे आपको मिल सकता है, और आपकी हेल्प भी की जाएगी जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये क्रिएट किया एग्जाम्पल, और थोड़ा बेहतरीन तरीके से और बनाया हमने। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट CSS3 के ट्यूटोरियल में।